दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। मैं आपको आज एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप घर लेके जाइए उसको। संकल्प की शक्ति इस दुनिया की सबसे बेहतरीन शक्ति है सर। इच्छा शक्ति का मजबूत होना बेहद जरूरी है दोस्त, क्योंकि लोग ऑब्स्टेकल फेंकेंगे, ताना मारेंगे, फिबतियां कसेंगे, तेरे से नहीं होगा बोलेंगे। ये लोगों का काम है, उनको करने दो। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको देके जाता हूं आज। स्मॉल प्रयोग, स्मॉल फॉर्मूलाज टू मेक योर इच्छा शक्ति मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। कुछ मत करिए, परसों डिसाइड करिए कि दो दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा। परसों डिसाइड करें कि दो दिन अब उपवास करेंगे, उपवास करेंगे, दिन में एक बार खाना खाएंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, मैं बोलता हूं कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं एक घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपनी कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना एफएम सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं कुछ नहीं। इससे एक चीज होती है, इससे आवारा मन कमजोर होता है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। इससे मन कमजोर होता है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है कि यस आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार। इच्छा शक्ति मजबूत। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बनकर निकलते हो, यस आई कैन डू दिस, मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है, और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है, आगे लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी में, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगा। कुछ नहीं कहते हैं, इससे आपकी ऊर्जा बलवान होती है। वो कहते हैं कि जो आदमी तय कर लेता है, चाहे वो छोटी सी चीज तय हो और उसको अगर पूरा कर लेता है, जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। कोई आदमी आपको गुस्सा करे, आप सोचो जो मुझे गुस्सा करेगा मैं हंसूंगा, बलवान होते हैं आप। ऐसे ऐसे प्रयोग करिए, मैं दावा देता हूं एक महीने के अंदर अंदर आप ट्रांसफॉर्म फील करेंगे अपने आप। छोटे छोटे प्रयोग आपको महत्वपूर्ण बनाते हैं। इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इच्छा शक्ति कहीं भी इंपॉर्टेंट है। वो हमारे शास्त्रों में, हम ब्राह्मण लोग हैं, शास्त्रों में कहते हैं कि संकल्प करके कुछ करा जाता है ना, हाथ में जल लिया जाता है, आपके यहां भी होता होगा है ना, संकल्प बोलते हैं ना कि संकल्प कर दिया आप, ये पीछे संकल्प की बड़ी शक्ति है साहब, ग्रेट पावर। पुरानी घटना सुनाता हूं आपको, एक शहर के अंदर, मैं एक दो जगह पहले भी सुना चुका हूं, एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था। गुरुकुल समझते हैं आप, विद्यालय, विद्यालय। एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था जहां पर एडमिशन असंभव था, असंभव बोले शब्द, वो बड़ा मुश्किल था। उसकी कुछ क्राइटेरिया थे, क्राइटेरिया के थे जब लड़का 7 वर्ष का होगा तो वो लड़का को उसका घर का कोई भी व्यक्ति छोड़ने नहीं आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति उसको उस गुरुकुल के दरवाजे पे छोड़ने आएगा जो उस घर से ताल्लुक ना रखता हो, विडंबना ठीक है। दूसरा, जब लड़का घर से निकलेगा सुबह भोर होनी चाहिए 5 बजे से पहले, 4:30 बजे घर छोड़ेगा, दूसरा कंडीशन। और जब घर छोड़ेगा वो लड़का तो अगर पलट के देख लिया तो गुरुकुल में एडमिशन नहीं हो सकता। पहली बात, कोई घर का व्यक्ति उसको छोड़ने नहीं जाएगा, दूसरी बात तो पलट के नहीं देख सकता तब उस गुरुकुल में उसका। तो एक लड़का 7 वर्ष की उम्र में हुआ, मां बाप ने रवानगी तय करी, घर का नौकर घोड़े पर लेके जाने लगा। तो मां बाप छत पर खड़े होकर देख रहे हैं, लड़का नीचे से निकल गया, घोड़े पर बैठा घुड़सवार और लड़का आगे। मां बाप को यही है बस कि मुड़ के ना देखिए बस, क्योंकि मुड़ के देख लेगा तो फिर इसका संकल्प। लड़का पहुंचा, मुड़ के उसने देखा नहीं, मां बाप ने पहली लड़ाई जीती, लड़के ने पहला युद्ध जीत लिया। लड़का पहुंचा गुरुकुल के दरवाजे पे,
प्रतियोगिता चालू हुई, एडमिशन की प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्या है कि लड़के को उसका नौकर या जो भी छोड़ने आया है वो छोड़ के चला जाएगा, और लड़के को गुरुकुल के गेट पे चौकड़ी मार के बैठना है आंख बंद करके जब तक कोई लेने नहीं आता, आंख खोलनी नहीं है। लड़का बैठ जाता है गुरुकुल के गेट पे, सुबह 5 बजे है, अंधेरा है, अभी आंख बंद कर लेता है कि अभी कोई लेने आएगा। लड़के को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजरता है, लड़का इंतजार में कि कोई गुरुकुल के अंदर लेके जाएगा और मेरी शिक्षा आरंभ होगी। 7 बज गए, विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया, कदम ताल उसके कानों में पड़े कि लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मुझे भी कोई लेने आएगा। कोई उसको लेने नहीं आता, बच्चे उसको थप्पड़ भी मार रहे हैं, कोई लात भी मार रहा है, कोई हंस भी रहा है। अब लड़के का संकल्प देखो, आंख खोली तो एडमिशन नहीं, लड़का आंख बंद करके बैठा है क्योंकि एडमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरज निकल गया, ऊपर पहुंच गया, धूप, सूर लगना शुरू हो गया, गुरु को लगना शुरू हो गया, रक्त चाप बंद हो गई, बच्चों की शांति हो गई, लड़का बैठा है, अब कोई आएगा। समय निकलता जा रहा है, धूप बलवान हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, कोई नहीं, लड़का दरवाजे पे, 2 बजे, कोई नहीं, लड़का दरवाजे पे आंख बंद करके बैठा है 7 घंटे से संकल्प। 2:30, 3 बज गए, कोई लेने नहीं आया, बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे वापस जाने लगे, फिर वो चाप शुरू होगी, कदम ताल, और फिर वो लड़कों का हंसना, उसको ठोकर मारना, लात मारना, हंसना, मस्करी करना, और धीरे 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 सारे विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के फिर निकल गए, फिर सन्नाटा, फिर कोई लेने नहीं आया। लड़का हैरान, धीरे धीरे धूप कम हो गई, संध्या हो गई, कोई लड़के को लेने नहीं आया। जब उसको लगा कि अंधेरा हो गया, उसने आंख नहीं खोली, 7:30 बजे 2 बौद्ध भिक्षु उठे, गेट पे आए, उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब तू लायक है हमारे गुरुकुल के अंदर आ जा। मैं आपसे कहता हूं, छोटे छोटे संकल्प आपको क्षमतावान बनाते हैं, और मैंने ये प्रयोग अपने ऊपर बेहतरी के लिए किए हैं बहुत बार। मैं अलग बन गया हूं पिछले 2-4-5 साल। अगर आप ऐसा कर सके तो आप खेल कर सकते हैं यार। आज का दिन फेसबुक नहीं देखूंगा, व्हाट्सएप के लिए इसलिए मना कर नहीं करता क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं। एक दिन फेसबुक नहीं देखूंगा, 4 घंटा नहीं देखूंगा, आज ये नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी 4-5 अचीवमेंट आप कर लें और 1-2 महीने तक करते रहें, मैं दावा देता हूं आप 1 महीने के बाद एक अलग इंसान बन जाते हैं।